स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं लौकी के खेत में। लौकी की खेती यहाँ पर कैसे की जा रही है उसके बारे में आज बात करेंगे। कब ये बोई जाती है और कब इसका तुड़ाई का टाइम होता है और क्या क्या इसमें कौन कौन से खाद डलते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बुआई कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या काम किया जाता है, इसमें 3 फीट चौड़ाई तक, लगभग 3 फीट चौड़ाई तक एक नाली की खुदाई की जाती है। ये एक नाली सी होती है, इसको खोद दिया जाता है 3 फीट चौड़ाई तक और जो गहराई रखी जाती है वह लगभग 1.5 फीट तक की गहराई की खुदाई की जाती है। शुरुआत में जब इसकी बीज की बुआई की जाती है तो ये लगभग 1.5 फीट की गहराई तक खुदाई की हुई होती है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर जो ये साइड होती है इसको लगभग 8-9 इंच और खोदना पड़ता है जैसा कि इधर ये खुदी हुई है। सेम इसी तरह इसके ये वाली साइड सबसे शुरुआत में खोदी जाती है जिसका हाफ पोर्शन होता है लगभग 1.5 फीट का, इसको 8-9 इंच तक खोद दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कच्चा खाद है गोबर वाला और जो DAP और यूरिया इसमें मिलाया गया है आप देख रहे हैं जिस तरह से, यही सेम इसमें इधर इस साइड जो ये पौधे बोए इधर बीज बोया गया है, बीज की बुआई की गई है इस साइड इसी तरह किया गया था और फिर उसको मिट्टी से ढक दिया गया था जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको फिर मिट्टी से ढकने के बाद इसमें बीजों की बुआई की गई थी यहाँ पर और जो बीजों की बुआई की गई है वो लगभग 1 फीट की दूरी पर की गई है। 1 फीट की दूरी पर इसकी गहराई करके बीजों की बुआई की गई है और लगभग 3 से 4 बीज एक जगह पर बोए गए हैं। तो इस तरह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले काम इसकी खुदाई करनी है और इसकी फिर खुदाई करके उसमें कच्चा खाद DAP और यूरिया 2-3 ये खाद लगा करके उसको बंद करके इसकी बीज की बुआई कर दें। और फिर इसका क्या काम करना है जैसा कि एक डेढ़ महीने के बाद लगभग इसमें आप 35 से 40 दिन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये 35 से 40 दिन के ये लौकी के जो पेड़ हुए हैं और इसके बाद फिर आपको एक काम करना है, जो ये हाफ पोर्शन दूसरे वाला इसका हाफ पोर्शन बचता है उसकी खुदाई करके उसमें ये खाद डाल देना है जैसा ये आप देख रहे हैं कच्चा खाद है यूरिया और DAP। इन तीनों खाद को यहाँ पर आपको इसको इसमें डाल देना है और इसमें डालने के बाद फिर क्या काम किया जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके इसमें जो एक ये लास्ट वाला काम बचता है वो इसमें क्या करना है फिर आपको जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुदाई हुई हुई है इसकी। इस खाद को इसमें पूरी मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है खोद करके लगभग इसको 2 फीट और गहराई तक जहाँ पर इसमें पानी निकल जाता है ये देख सकते हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पीछे की साइड खुदाई की गई है लगभग 2-2.5-3 फीट तक की और गहराई तक इसमें खुदाई की गई है ताकि इसमें जो ये खाद है ये तीनों खाद यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और जैसा कि इधर जड़ें दिख रही हैं आपको इसके ये रूट्स दिखाई दे रहे हैं जो इसके पेड़ों के रूट्स से बाहर को निकल कर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये खाद और पानी को अच्छी तरह से इसमें ले लेते हैं, उनसे इनका जो पोषण है वो इसकी जो इसकी फूड है यानी इनका भोजन होता है पौधों का उसको अच्छी तरह से ले लेते हैं ये और अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं। और अभी जो बात करें इसको इधर से फिर क्या काम किया जाएगा, अच्छी तरह से ढक दिया जाएगा ये इसमें अच्छी तरह से जो मिट्टी में खाद है टोटल खाद इसमें मिक्स हो जाएगा और फिर इसको ढक दिया जाएगा यहाँ से मिट्टी के इसके बराबर कर दिया जाएगा। और फिर आपको अभी एक बात और बताते हैं जैसे कि ये घास लगा हुआ है इसको लगाने का क्या पर्पज होता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि सर्दी के मौसम में जो पाला पड़ता है जनवरी के दिसंबर और जनवरी के महीने में उसके ये इसका जो पौधे हैं जो ये हमने सब्जी कर रखी है लौकी की इसका बचाव करता है पाले से। ये पश्चिम की साइड लगाया जाता है क्योंकि पश्चिम की साइड से पाला ज़्यादा पड़ता है इधर से और इसको थोड़ा तिरछा करके यहाँ पर थोड़ा हल्की सी खुदाई करके इस घास को लगा दिया जाता है। ये लो टनल की तरह काम करता है इसमें इसकी फसल में लौकी की फसल में। तो सर्दी में इस तरह से अगर खेती करनी हो तो इस तरह से इसमें करना होगा और ये लो टनल का काम करेगा जो ये घास लगाया गया है। फिर इसको अब जैसा कि आप देख रहे हैं फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फरवरी की। और इसके फिर क्या काम करना है इस घास को जैसे अब 10-15 दिन में और पाला पड़ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा बंद हो जाएगा, इस घास को यहाँ से उखाड़ करके इधर इस साइड में फैला दिया जाएगा, इस घास को इधर फैला दिया जाएगा। ये फिर इसमें क्या होगा कि जो भी इसकी बेल है जो लौकी की बेल है उसके ऊपर आ जाएंगी और जो फल लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, फल ख़राब नहीं होगा। ये इसमें मल्चिंग का काम करेगा, अभी ये लो टनल का काम कर रहा है यहाँ पर और फिर ये मल्चिंग का काम करेगा इसमें मल्चिंग पेपर का। तो इसके ऊपर जो ये बेलें फैल जाएंगी इसकी यहाँ तक काफ़ी दूर दूर तक और इसमें जो फल लगेगा वो साफ़ सुथरा फल होगा, उसमें बीमारी नहीं होगी कीट नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें लौकी की खेती की जा रही है यहाँ पर और ये तकरीबन जो अभी जो इसका चलने का टाइम है अप्रैल के महीने में
इसमें फल लगना स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल के शुरुआत में लौकी का फल इसमें लगना शुरू हो जाएगा। और फिर किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर इसका जो फल देने का टाइम है वो लगभग रहता है अगस्त यानी बरसात तक, लगभग जैसे 3-4 महीने तक लगभग फल देगा ये। 3-4 महीने तक अच्छी तरह से इसमें फल मिलेगा, बरसात तक ये लगभग फल देता रहेगा। और इस तरह से यहाँ पर ये खेती की जा रही है। अगर किसान भाइयों आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो लौकी की खेती से, तो हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।